दोस्तों नमस्कार, कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत। और आज हम जानने की कोशिश करने वाले महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इंटरेस्ट डिपॉजिटर एक्ट के बारे में, यानी MPIDA एक्ट, जो MPIDA एक्ट कहा जाता है वो क्या है और इसमें क्या प्रावधान है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले। अब पहली बात ये MPIDA एक्ट किसके लिए, तो खास करके जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए। वित्तीय प्रतिष्ठानों में अलग अलग तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, पैसा उनका छीना जाता है, उनको टोपी लगाई जाती है। वो टोपी लगाने के वालों को अंदर डालने के लिए कानून बनाया गया है, एक खास करके महाराष्ट्र में बनाया गया है। महाराष्ट्र राज्य के जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए ये कानून बनाया गया है। ऐसे अलग अलग राज्यों ने अपने अपने कानून तो बनाए हैं, आज हम बात करने जा रहे हो महाराष्ट्र प्रोटेक्शन इंटरेस्ट डिपॉजिटर एक्ट के बारे में। अब MPIDA एक्ट के तहत सजा जो दी गई है वो है 2 साल की सजा और 10,000 तक का जुर्माना। अब ये किसको है, जो भाई टोपी लगाने वाले उसको है, मालिक है या तो CMD है, CEO है या डायरेक्टर से, कि भाई उन्होंने तो लोगों से पैसा इकट्ठा किया है और रफू चक्कर होने का प्रयास किया है, इन लोगों को डरना चाहिए, ये उनके लिए प्रावधान है। अब इसमें जमानत मिलती है क्या, तो बिल्कुल नहीं मिलती। बहुत बार ऐसा होता है कि 2 महीने तक तो जमानत भूल ही जाओ, 2 महीने तक तो अंदर बैठने ही बैठने हैं, क्योंकि जब सीनियर इंस्पेक्टर जो रहते हैं वित्तीय अपराध जांच करने वाले रहते हैं, उनके पास ये मामला आ जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले आ जाते हैं, अलग अलग पुलिस स्टेशन में मामले आ जाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा फलाना फलाना आदमी, उसने हमको प्रॉमिस किया था, बताया था कि ऐसा ऐसा पैसा मिलेगा, तुम 1,000 दो तुमको 200 रुपये हर महीना दूंगा, जो कुछ है वो उसने बताया, प्रॉमिस किया और पैसा लेके वो रफू चक्कर होने का प्रयास करा या तो हो गया। ऐसे अगर जब बहुत सारे कंप्लेन इकट्ठा होते हैं तो ये जो गुन्हे अन्वेषण होते हैं वो गुन्हे अन्वेषण उप जिलाधिकारी के पास चले जाते हैं, वो डेप्यूटी कलेक्टर जो है ये सक्षम अधिकारी करके इसको नियुक्त किया गया है, वो क्या करता है, वो MPIDA एक्ट लागू कर देता है। और MPIDA एक्ट अगर किसी भी कंपनी पे लागू कर दिया तो उसके कंपनी के डायरेक्टर को, CEO को, मालिक को अंदर जाना ही जाना है। उसने अगर इधर का पैसा उधर घुमाया है तो वो घुमाया वो पैसा जहां घुमाया वहां से निकालने के लिए वो 2 महीने के अंदर पुलिस बराबर ढूंढ लेती है कि भाई इसने कौन सी अलग अलग प्रॉपर्टी बनाई। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, वो करते जो कुछ और है वो निकालना, वो निकालने के लिए 2 महीने का वक्त दिया है, और 2 महीने के अंदर अगर चार्जशीट पुलिस ने नहीं फाइल की तो जाके वो आदमी जो अंदर है वो अपने जमानत के लिए अर्जी कर सकता है। यानी इतना आसान नहीं है। अब ये आसान नहीं है इसलिए MPIDA एक्ट से इन जो टोपी लगाने वाले लोग हैं उनको डरना चाहिए। और MPIDA एक्ट खास करके मैंने बताया ये जमाकर्ता के हितों के संरक्षण के लिए, उनको तो डरना नहीं चाहिए। अगर किसी ने आपको फंसाया है, तो बहुत सारे लोगों को फंसाया है, तो ये सारे लोग अगर सो गए तो कोई मदद कैसे करेगा, पर आप सब अगर इकट्ठा होकर अगर उसके ऊपर कंप्लेन करते हैं तो MPIDA के तहत आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है, उसकी प्रॉपर्टी बेची जाएगी और प्रॉपर्टी बेच के वो पैसा आपको दिया जाएगा। इतना याद रखिए। अगले वीडियो में ऐसे कुछ अलग सा और हटकर टॉपिक आपके पास लेके आऊंगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर कुछ आपको ऐसे अलग अलग विषय उसकी मालूमत करनी हो तो दीजिए। अगले वीडियो तक यही रखता हूँ, अलविदा, धन्यवाद।